हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बृहस्पतिवार को भाजपा ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं भाजपा दल को इस चुनाव में प्रदेश के शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में करारा झटका लगा है। हालांकि पार्टी ने मंडी लोकसभा क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं इस बार भाजपा सरकार के 10 में से 8 मंत्री चुनाव हार गए हैं। चुनाव हारने वाले मंत्रियों में सुरेश भारद्वाज, रामलाल मारकंडा, वीरेंद्र कंवर, गोविंद सिंह ठाकुर, राकेश पठानिया, डॉक्टर राजीव सैजल, सरवीन चौधरी, राजेंद्र गर्ग शामिल रहे। वहीं जयराम ठाकुर के अलावा विक्रम ठाकुर और सुखराम चौधरी ही चुनाव जीत पाए हैं। दरअसल जयराम के मंत्रियों को लेकर लोगों में काफी नाराजगी थी। लोगों को ये शिकायत रही कि इन मंत्रियों तक पहुंचना बेहद मुश्किल रहा। उनके जरूरी काम भी ये मंत्री नहीं करवाते थे। वर्क फ्रंट पर भी इन मंत्रियों की परफॉर्मेंस बेहद खराब रही। चुनाव से पहले कराए गए सर्वे के बाद भी कई मंत्रियों को मैदान में उतारना गलत फैसला रहा। वहीं पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा कांग्रेस के लिए वरदान साबित हुआ, जबकि सेब उत्पादकों के लिए मुद्दों ने करीब 20 सीटों पर भाजपा की संभावना पर पानी फेर दिया। राजनीतिक पर्यवेक्षक ने कहा कि मतदाता बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से नाराज थे और सरकार के खिलाफ एक मजबूत सत्ता विरोधी लहर थी। भाजपा ने चुनाव से पहले अपने सिटिंग विधायकों के प्रति लोगों की नाराजगी को पहले ही भांप लिया था, लेकिन वे इससे निपटने की रणनीति में फेल हो गई। जिन 10 सिटिंग MLA की टिकट काटे, उन्होंने अंदर खाते बगावत कर दी। कई ऐसे MLA को टिकट दे दी गई जिनका विरोध हुआ, ये लोग भी जीत नहीं सके। धर्मपुर सीट से लगातार 7 चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना चुके मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की जगह उनके बेटे रजत ठाकुर को टिकट दिया, लेकिन वे भी हार गए। टिकट वितरण के बाद राज्य के 68 में से 21 सीटों पर भाजपा में बगावत होगी। किन्नौर में पूर्व MLA तेजवंत नेगी ने टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा और वहां भाजपा हार गई। देहरा सीट पर भी निर्दलीय चुनाव लड़े होशियार सिंह ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। चुनाव से पहले भाजपा ने होशियार सिंह को पार्टी में शामिल तो किया, लेकिन टिकट नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने भाजपा छोड़कर चुनाव लड़ा। फतेहपुर सीट पर पार्टी उपाध्यक्ष कृपाल परमार की बगावत से मंत्री राकेश पठानिया हार गए। कुल्लू और मनाली सीट पर भी भाजपा के बागियों ने पार्टी उम्मीदवारों की हार में अहम भूमिका निभाई। नालागढ़ सीट पर BJP के बागी KL ठाकुर निर्दलीय जीत गए। चंबा सदर सीट पर पहले टिकट देने और फिर वापस लेने की वजह से बागी हुए इंदिरा कपूर के कारण भाजपा को कांग्रेस के हाथों हार मिली।